बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले कुछ वक्त से लगातार भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में घिरे हुए हैं। आए दिन उन्हें आयकर विभाग से लेकर सीबीआई के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में उनका गुस्सा बीजेपी पर फूटना लाजमी है और इस बार उनके गुस्से का शिकार अमित शाह हुए हैं। तेजस्वी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि मेरी जाँच होती है, अमित शाह के बेटे की क्यों नहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह धन पुरुष हैं। उनके बेटे जय शाह का कारोबार अप्रत्याशित रूप से पिछले एक साल में 16,000 गुना बढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद देश की सभी जांच एजेंसियां केवल उनकी जांच कर रही हैं और अमित शाह के बेटे की नहीं। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अमित शाह अपने बेटे के भ्रष्टाचार और पाप को छुपाने के लिए दूसरों को चोर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके इस प्रयास में जांच एजेंसियां भी उनका पूरा साथ दे रही हैं। तेजस्वी ने यह आरोप भी लगाया कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली का रूप ले चुकी हैं। आपको बता दें कि रेलवे टेंडर घोटाले मामले में सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में लगातार तीनों की जाँच चल रही है। कई बार तेजस्वी यादव सीबीआई समेत प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश भी हो चुके हैं। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।